उस जन्नत के लिए कोशिश कीजिए जहां आप और आपकी बीवी इकट्ठी होगी। इस बीवी को आज अल्लाह का ताबे बनाइए, इसके जिस्म पर आज अल्लाह का हुक्म लागू कीजिए, अपने घर को आज अल्लाह के हुक्मों के सामने झुका दीजिए। इस घर में वो काम होगा जो अल्लाह चाहेगा, वो काम नहीं होगा जो अल्लाह नहीं चाहेगा। इस घर के अंदर तस्वीरें नहीं सजेंगी, इस घर के अंदर गाने नहीं बजेंगे, इस घर के अंदर फिल्में नहीं चलेंगी, इस घर के अंदर बेपर्दगी नहीं होगी। भाभी देवर से और देवर भाभी से पर्दा इस्लाम का हुक्म है, जेठ से पर्दा इस्लाम का हुक्म है, बहनोई से पर्दा इस्लाम का हुक्म है, साली से पर्दा इस्लाम का हुक्म है। ये नहीं कि मां बाप कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसमें पर्दा नहीं हो सकता, सब इकट्ठे बैठ के गपशप मारो। ये उसकी बीवी से गपशप हाँक रहा है, वो इसकी बीवी से गपशप हाँक रहा है, साली बहनोई से अटकनी कर रही है, ये इस्लाम का तर्ज जिंदगी नहीं है। अल्लाह की आयात पे सर झुकाने वाले, ईमान लाने वाले, अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार कर देने वाले, उन्हें कहा जाएगा अपनी बीवियों के साथ हंसी और खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो प्यारे भाई, इस जिंदगी को तब्दील कीजिए जो जिंदगी अल्लाह की बगावत पे चल रही है, जहां सुबह घर के अंदर दौड़े लगी भी होती है, ड्यूटी पर पहुंचना है, स्कूल बच्चों को भेजना है, स्कूल ड्रॉप करके आना है, गाड़ी स्टार्ट करो, बच्चों को तैयार करो, मियां और बीवी दोनों भाग रहे हैं, और उस घर में फजर के वक्त पे मौत का हाल गालिब है और अंधेरा है कब्रिस्तान का, कोई नहीं उठता। रिज़्क की तलाश में तो बड़ी दौड़ है कि 9 बजे मैंने ड्यूटी पर पहुंचना है, लेकिन रज़ाक को राजी करने के लिए 5 बजे उठना नसीब नहीं होता। इस घर को आज बदल दो।